मेन चैनल के सारे मोजिस दोस्तों को मेरी तरफ से दिल से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे, इंशाल्लाह होने भी चाहिए। तो आज आए हम मल्टी हेड है SWM इसका। देखो ये चाल कितनी चाल आ रही है लिपर में। ये इतनी ज्यादा चाल आ रही है, इसका ये बेयरिंग भी टूटा हुआ है। अब इसको मैं बना रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ साथ साथ, आप लोगों तक शेयर करूँगा। अच्छी लगे तो लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये ले भाई, ढाई नंबर के नट हमने खोल लिए। ढाई नंबर के नट खोलने के बाद हेड आएगा बिल्कुल बाहर। यहाँ पे थोड़ा करंट है, इस वजह से थोड़ा एहतियात से कर रहे हैं। ये 3 नंबर के नट खोलने ही है वाले ऊपर वाले। इस तरह से बन गई है ना, तो ये इसका लुक। बेयरिंग भी ख़त्म हुआ पड़ा है, ये भी चेंज कर दें ना। चलो सबसे पहले इसी को चेंज कर देते हैं। 3 नंबर के LG उठा के वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी आज, ये पूरा जो है रिकॉर्ड करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपकी मर्जी है। ये देखिए बेयरिंग ख़त्म हुआ पड़ा है पूरा। तो अब हमने इसको क्या करना है, बाहर निकालना है। तो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा। निकल गया, लुपर बाहर आ गया। अब ये लुपर पे लगी हुई है लॉक, ये रही, ये छोटी सी लॉक लगी हुई है। इसको आपने ऐसे अंगूठे से निकाल लेना है। ये निकल आई, इसको सेफ तरीके से यहाँ रख दो। ये हिस्सा इसका निकाल के फेंक दो। ये रहा, ये हिस्सा इसका फेंक दो। नया बेयरिंग उठाओ और नया बेयरिंग लगाओ, ठीक है।
वापस इसको लगाना है लुपर को आपने इसके अंदर। आ गया है इसके अंदर, इस तरह से हेड खड़ा करना है। सबसे पहले स्प्रिंग लगाना है, स्प्रिंग लगा दिया। उसके बाद इस तरह से ये बेयरिंग लगाना है, बेयरिंग लग गया। अब ये पिन, ये रही इस पिन को आपने बिल्कुल इसी तरह से लगाना है। देखो ये लग गई, देखा लग गई बिल्कुल, ओके हो गया। अब हम इसका दूसरा काम क्या करने वाले हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। इसका तो ये नट वट लगा दो, ये हो गया, हेड का काम तो हो गया इंशाल्लाह। ये तो हो गया बेयरिंग चेंज, जो उसमें चाल थी वो अभी बाकी है। ठीक है, ये ओके है, इसको साइड पे रख देते हैं। आगे चलो, अब आपने इसका खोलना है स्लाइडर। स्लाइडर कैसे खोलना है, ऐसे खुल रहा है स्लाइडर इसका। स्लाइडर खोलने के बाद का जो प्रोसेस है मैं बताता हूँ आप लोगों को। एक मिनट, खुल गया स्लाइडर का। ये दूसरा नट खुल गया है स्लाइडर का। स्लाइडर भी उल्टा लगा हुआ। अच्छा, उसके बाद आपने देखनी है गरारी में चाल किस वजह से है, ये किस वजह से। उसके बाद आप खोल लो फिंगर, इसको आरी मशीन की फिंगर कहा जाता है। ठीक है, फिंगर इसी को कहा जाता है। मैडी मशीन की अलग होती है और ये आ रही है इसकी अलग है। इसको आपने खोल के साइड में रख लेना है। अब खोलना है आपने इसका बबल गियर। ठीक है, ये खुल गया।
छोटे बबल गेयर की नंबर पे लाके ठीक है। सबसे पहले इसके ये थोड़ा सा ये चिपका दे, फंसा दे इनको थोड़ा सा, सही है। ये फंसा दो, ये वाला नट हेड मजबूत करने वाला नट है ये आपने पता दिया, हेड रुक गया वहीं पे। ये ढाई का नट लो, ये वाला लगाओ और इसको यहाँ सेट करो। बिल्कुल यहीं पर अब ठंडा पर दो जो ये हो गया। अब ढाई नंबर का ये वाला नट उठाना है, दूसरा वाला इसको इस तरफ लगाना है, इस तरफ ये दोनों नट हो गए टाइट, अच्छे से टाइट कर दो। सामान सारा लग गया, ये हेड वेड तो लगाना आसान है, फिंगर विंगर लगी भी है ठीक है। तो इसको आपने इन नटों को टाइट कर दो ना यहाँ पे, ये जो खोले थे ना ये वाले वाला नट, तो चलिए जनाब हम आ गए हैं इसके सेंटर बांधने की तरफ। सेंटर यहाँ से बनेगा F7, यहाँ से बनिए चार नंबर स्टीच स्टॉप डाउन, दो बार इंटर करोगे तो ये निडिल नीचे बैठेगी ठीक है। ये निडिल नीचे बैठ गई, यहाँ पे अब आप इसका सेंटर बांध सकते हो आराम से। ये आ गया बीच पे, बीच में आ गया चार नंबर की एलकी के नट, टाइट करो आराम से। सेंटर हो गया इसका बराबर, देख लें आप बिल्कुल बीच में आया इसका सेंटर। अब वापस उसको ओके करोगे तो ये ऊपर हो जाएगा, देखना बेटा। तीन नंबर में धागा डालो, अभी इसका कटर भी साथ साथ चेक करके चलते हैं। काम तो हो गया लगभग लगभग सारा इसका इंशाल्लाह।
ऊपर सीधा कर दें, ऊपर हो गया सीधा। हाँ आओ कटर मारो। कटर मारो। हो गया। ओके ऊपर देखो सीधा आया है बिल्कुल। ठीक है तो इसी के साथ इस हेड का काम हो गया। आप लोग भी अपनी मशीन की सर्विस खुद कर सकते हैं। अभी टाइम ज़्यादा हो गया, चलते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ये मैं थोड़ा चलता हुआ डेमो डाल दूंगा इस हेड का, ये एक नंबर हेड है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो ये चलती हुई तो डेमो डाल रहा हूँ इसकी, देखो ये कैसी क्वालिटी है। ये सारा ख़राब किया हुआ इसने। अब इस पर चला रहा हूँ देखो। देखो कितनी बेहतरीन क्वालिटी है, कितनी बेहतरीन क्वालिटी बनाई हुई है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ये काम हुआ है। इसी तरह से आप भी अपनी मशीनों की क्वालिटी अच्छी से अच्छी बना सकते हैं। यही है मैं आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ, देखें और आप भी सीख जाएं। तो और मेरा कोई मकसद नहीं।